चिट्ठी बन चुका है रोहित वेम्बला के याद में मैंने कविता लिखी। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जब जो उसका आखिरी खत था, कोई व्यक्ति जब आखिरी खत लिखता है मरने से पहले तो वो क्या सोचता है, आखिरी लिखने से पहले घूमता है समूचा जीवन आंखों के सामने, ख्वाहिशों का एक सैलाब दौड़ता है रगों में, बचपन की कोई शाख हिलती है धीमे से, उस पर टंगी शरारती मुस्कुराहटें निहारती हैं, आधी पड़ी ही नॉवेल के पन्ने फड़फड़ाते हैं टेबल पर, और रखे ठंडी हो चुकी चाय उदास नजरों से। आखिरी लिखने से पहले होठों पर उभरती है पहले चुंबन की स्मृति, साफ देखे गए हजारों ख्वाब, पार्क की वो कूट कोने में कोने वाली टूटी बेंच, सितारों भरा आसमान कंधों से आ लगता है, झर झर झरते हर सिंगार गुनगुनाते हैं अनहद नाद, हथेलियों से टूट कर एक एक कर गिरती लकीरें धरती पर उगाने लगती हैं उम्मीदों की फसलें। आखिरी लिखने से पहले शांत होते हैं सारे विचलन, आखिरी लिखने से पहले शांत होते हैं सारे विचलन, बाहर एक शोर उगता है और भीतर असीम शांति, कि सबको माफ कर देने को जी चाहता है, कि सबको माफ कर देने को जी चाहता है, उन्हें भी जिन्होंने आखिरी लिखना ही छोड़ा आखिरी रास्ता। पहली बार आखिरी लिखने से पहले एक शांति उभरती है आंखों में, याद आते हैं तमाम अधूरे वायदे, किसी के इंतजार का भी ख्याल आता है शिद्दत से, कुछ जिम्मेदारियां सर झुकाकर आ खड़ी होती हैं एकदम सट कर, कि आखिरे लिखते हुए लड़खड़ाती है कलम और फिर एक संगीत गूंजता है कानों में, एक आखिरी हिचकी, एक आखिरी संदेश, कि आखिरी लिखना असल में पैदा करना है ताकत अपनी आवाज में, कि आखिरी लिखना असल में पैदा करना है ताकत अपनी आवाज में, सत्ताधीशों के कानों में चीखना है जोर से, सोई हुई आत्माओं को झिंझोड़ के जगाना है, लिखना है प्रतिरोध का नया पन्ना, कायर समाज के मुंह पे जड़ना है जोर का तमाचा, और उगना है हजारों लाखों लोगों में एक साथ सबके जीने लायक समाज बनाने की इच्छा में। दूसरी कविता है, इससे कम पे अब बात बनेगी नहीं, बहरी सत्ताओं के कानों में उड़ेल देना हुकार, भिजी हुई मुट्ठियों से तोड़ देना जबड़ा बेशर्म मुस्कुराहटों का, रेशमी वादों और झूठे आश्वासनों के तिलस्म को तोड़ फेंकना और आंखों से बाहर निकाल फेंकना जबरन ठूंस दिए गए चमचमाते दृश्य, देखना वो जो आंख से दिखने के उस पार है और सुनना वो जो कहा नहीं गया सिर्फ सहा गया, जब हिंसा की लपटें आसमान छुए तुम प्रेम की कोई नदी बहा देना और गले लगाना किसी को जोर से, अंधेरे के सीने में घोंप देना रोशनी का छुरा और दर्ज करना मासूम आंखों में उम्मीद, हाँ ये आसान तो नहीं होगा फिर भी इससे कम पे अब बात बनेगी नहीं। ठोक दो कीले हमारी हथेलियों में, ठोक दो कीले हमारी हथेलियों में, खींच लो जबान हलक से, जोर से करो वार रीढ़ की हड्डी पर, नाखूनों में खपच्चियां बजा लो, तोड़ दो सर पे ढेर सारी कांच की बोतलें, तेजाब की नदी बहा दो जिस्म पर, कोड़ों से पीठ छलनी कर दो, आओ हत्या ही कर दो तुम मेरी, बस की हमारी बेबसी है कि हम नहीं बन सकते समझौता परस, और तुम्हारी बेबसी कि नहीं हिला सकते फौलादी इरादों से। तीसरी कविता है, इसके बाद प्रमोद जी बताएंगे वक्त कितना बचा है। तो ये जरूरी कविता है, मेरा 6 मिनट बचा हुआ है शायद अभी। चलो कि अब हम गुनहगार ही सही, सियासत के मायने हम क्या जाने, कि हम तो बस गेहूं की बालियों के पकने की खुशबू को ही जानते हैं दुनिया की सबसे प्यारी खुशबू के रूप में, क्या पता कैसा होता है जंतर मंतर, क्या होता है जंतंतर,
देश दुनिया की सरहदों से हमारा कोई वास्ता कैसे होता भला, हम तो घर की दहलीजों से ही लिपटे हैं न जाने कब से, बस कि हमने पलकों को झुकाना जरा कम किया, आंखों को सीधा किया, शर्मा के सिमट जाने के बजाय डटकर खड़े होना सीखा, आंचल को सर से उतार कर कमर में कसा कि चलने में सुविधा हो जरा, कहीं पाओ की जंजीर न बन जाए पायल सुख से पीछा छुड़ाया, न तहरीर थी हमारे पास कोई न तकरीर कोई, हमने तो ना कहना सीखा ही नहीं था, बस कि हर बात पे हाँ कहने से जरा उस वो आया था, इसे भी गुनाह करार दिया तुम्हारे कानून ने, तो चलो कि अब हम गुनहगार ही से।